चौक थाने की टीम ने दो वाहन चोरों को चोरी की दो मोटरसाइकिल संग गिरफ्तार कर लिया। चौक थाने की टीम द्वारा दो नफर शातिर वाहन चोर दो अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किए गए। थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त के क्रम में दो नफर अभियुक्त को थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी के तहत चोरी की मोटरसाइकिल के साथ कपीसा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके विरूद्व आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार बनारस कमिश्नरेट में किसी न किसी थाने से वाहन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। उसी में सभी थानों ने अपनी अपनी टीमें लगाई हुई हैं। चौक थाने की भी क्राइम टीम लगी हुई थी। 17 तारीख को सुबह के समय एक अमितेंद्र सिंह जी अपनी माता को दर्शन कराने काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे। उन्होंने लक्ष्मी चाय वाले के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। उनकी मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी चली गई। उन्होंने इसकी सूचना थाना चौक पर दिया। थाना चौक की जो क्राइम टीम है वो इसमें क्रियाशील हुई। सीसीटीवी फुटेज देखा गया, तमाम फुटेज तलाश किए गए। उससे जो सूचना मिली, जो साक्ष्य या फुटेज प्राप्त हुए, उनके आधार पर एक मोटरसाइकिल यूपी 50BC 9745 ये गाड़ी जौनपुर के माया देवी के नाम से रजिस्टर्ड है, उनके नंबर का ऐप से पता लगाया गया, उनकी जानकारी की गई, तो वो जौनपुर के रहने वाले हैं। उनका बेटा प्रवीण कुमार इस गाड़ी को चलाता है। मुखबिर को सक्रिय किया गया, टीम को लगाया गया। आज इनको कपसा मोड़ के पास सुबह जौनपुर से यहाँ आते समय गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी गई मोटरसाइकिल और एक इनकी अपनी मोटरसाइकिल दोनों बरामद हुई हैं, और एक इनकी निशानदेही पे एक अन्य वाहन भी दो पहिया बरामद किया गया है। सर, अपराधी को भी पहले में कोई किया? उसको DCRB से पता लगवाया जा रहा है, लाइन बाजार या जौनपुर से ही पता कराया जा रहा है। अगर वहाँ पर कोई इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा तो उसका पता चल जाएगा, उसका बाद में बताया जाएगा।